तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। आपकी अच्छी बात है, रोज़ फ्लाइटें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके साथ ऐसी अगर स्थिति हो जाए जो आगे आने वाले एक दो मिनट में मैं आप बातें शेयर करूंगा, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप उस स्थिति में क्या करोगे। लंदन से फ्लाइट आई मंडे को 9:30 बजे सुबह, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच गई। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो साथियों, 9:30 बजे सुबह फ्लाइट लैंड कर गई, सबके चेहरे पे खुशी थी, भाई हम इंडिया जा रहे हैं। ये उनकी मुख जबानी की बात बता रहा हूं मैं, खुशी है, हमारी सरकार हमारी हेल्प करेगी, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए तैयार खड़ी है, वगैरह वगैरह जो सोच होती है कि अपनों के बीच जल्दी पहुंच जाएंगे हम। लेकिन ये क्या, जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे सुबह 9:30 बजे फ्लाइट लैंड कर गई, उसके बाद रात 8:30 बज गए। जी हाँ साथियों, रात को 8:30 बज गए, यानी 11:30-12 घंटे हो गए, कुछ भी समाधान नहीं है उनका। यानी उनके साथ बच्चे भी थे या फिर बड़े बुजुर्ग भी थे, 40 के करीब बंदे थे इसमें दिल्ली एयरपोर्ट पे लंदन से। और भाई आप समझ लीजिए, जब लंदन के लोग आ रहे हैं तो पैसे वाले तो होंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। उनके साथ भी एक मैं वीडियो देख रहा था कि गवर्नमेंट तो पैसे वालों को ला रही है उनके, ये तो ये देख लो भाई, इनके पैसे वालों की भी ये स्थिति है। उनका कहना था प्लेन में हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया गया, हमें खाना भी दिया गया, एयरपोर्ट पे भी उनका व्यवहार सही था, जो एयरपोर्ट कर्मचारी होते हैं उनका तो पैसे दिए हैं भाई, टिकटों के 1,00,000 रुपये दिए हैं, तो फिर उनका खाना पीना वो तो स्वाभाविक सी बात होना ही है। प्लेन में जो एयर होस्टेज होती है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो सही तरीके से गाइड करती हैं, जो भी खाना पीना पानी है सुविधा टाइम पर मिल जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो एयरपोर्ट क्रॉस करके आए वहाँ के, देखिए होता क्या है कि जैसे दिल्ली में फ्लाइट लैंड करी तो ये यूपी के थे, तो यूपी के अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, नोएडा यूपी के, या राजस्थान के हैं तो राजस्थान के वहाँ पे अधिकारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से छोड़े गए हैं स्टेट लेवल पे कि भाई हमारे राजस्थान के आ रहे हैं, हमारे यूपी के आ रहे हैं, तो वो जितने भी 40 बंदे जैसे ये यूपी के हैं तो उनको ट्रीट कौन करेगा, यूपी का अधिकारी, यूपी का जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनकी आप जांच करवाओ, उनको होटल मैनेजमेंट, उनका किराया भाड़ा जो भी है आप पूरी व्यवस्था देखो। लेकिन ये क्या, उनके साथ उल्टा पड़ गया, यानी स्थिति ये आ गई कि प्रशासन के साथ इनको लड़ाई करनी पड़ गई। यानी आपको पता है साथियों, 12-12 घंटे बच्चों के साथ इंसान कोई बैठता है तो गुस्सा वाजिब है, वाजिब होना ही है, इनके साथ माथापच्ची करना, प्रशासन से लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। लेकिन प्रशासन ने इनको ये तक संतुष्ट नहीं किया कि आपको फलाने होटल में लेके जा रहे हैं, इतना आपका किराया लगेगा, ये आपका प्रोसेस रहेगा, पता ही नहीं उनको। जबकि यार पता है कि शेड्यूल तो 10-12 दिन पहले बन गया कि लंदन से इतनी बजे फ्लाइट पहुंचेगी और उसमें हमारे ये आदमी आने वाले, तो उनको तो पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। लेकिन नहीं जी, लापरवाही पूरा सिस्टम था, बच्चे भी भूख मरने पर, मतलब 12-12 घंटे भूखा रहना पड़ा, पानी तक को पीने को नहीं था इनके साथ में, लड़ाई झगड़ा किया, लास्ट में स्थिति ये हो गई कि वो जो लंदन से आए हुए यात्री थे उन्होंने अपने अपने घरों को, परिवारों, रिश्तेदारों को फ़ोन करके होटल का बुकिंग किया। जी हाँ साथियों, अब भाई वो तो पैसे वाले थे, महंगे होटल में सस्ते कैसे भी एडजस्ट कर लिया। अब गल्फ से अगर फ्लाइट आ गई, मजदूर आदमी बेचारे आ गए, उनके साथ ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वो अपने रिश्तेदारों को फोन करेंगे, वो तो गाँव में बैठे हैं, झोपड़ों में बेचारे, वो उनको होटल कहाँ बुक करवा देंगे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जोधपुर में। स्थिति ये है, फिर भी उन्होंने अपने स्तर पे होटल बुक करके अपने स्तर पे सब कुछ मैनेज किया, पानी तक को पीने का नहीं था, जांच के नाम पे सिर्फ एक बुखार की जो जांच होती है वो जांच की गई, उन्होंने बताया कि आगे हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया हमारी जांच आगे कब होने वाली है। तो कहने का मतलब ये स्थिति थी दिल्ली एयरपोर्ट मंडे की बात बता रहा हूँ मैं। पासपोर्ट उनके सबके ले लिए गए, ये भी देखिए पासपोर्ट जितने भी थे सबके एक झोले में आगे कर दिया, पासपोर्ट डालते जाओ जी, पासपोर्ट सबने डाल दिए, इंसान मजबूरी में निकल भी नहीं सकता, तो पासपोर्ट की कोई रिसीविंग नहीं दी गई, जबकि पासपोर्ट अगर गवर्नमेंट जमा करती है, कोई अधिकारी जमा लेता है तो उसकी रिसीविंग देनी चाहिए। कल को वो तो बोल दे हमें तो पासपोर्ट दिया नहीं आपने, तो उसकी क्या एविडेंस क्या है, इस रिसीविंग का हक बनता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो पासपोर्ट की रिसीविंग मांगिए कि भाई हमने पासपोर्ट जमा कराया, बदले में रसीद दीजिए, हमें सबूत रहेगा हमारे पास। ऐसे तो गवर्नमेंट बोलती है आप 1 रुपये का भी बिल लो, अपनी अनमोल चीज़ हम पासपोर्ट दे रहे हैं, तो अधिकारी हैं, अच्छी बात है, सरकारी है, लेकिन रिसीविंग तो देना चाहिए ना। लेकिन नहीं दी इनको। इनका कहने का मतलब था भाई सरकार है जो बिल्कुल खरी नहीं उतरी हमारी उम्मीदों पर, नोएडा यूपी की ये बंदे थे, तो उनका ये कहना था। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आप खुश होकर इंडिया पहुँच रहे हैं तो आप इस तरह की माइंड सेट तैयार करके रहिए कि आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपको किस तरह से मैनेज करना पड़ सकता है। आपको एक आगाह के तौर पे मैं ये वीडियो आपके साथ, लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।